एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी के साथ साथ हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, तो ये आपके लिए है। यहाँ पर हमेशा की तरह दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर वन, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर वन। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर टू। सो पाइल टू का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं। पाइल वन से हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं, तो इसे मैं यहाँ रख दी हूँ, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से क्या मेजर चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। पाइल नंबर वन के पार्टनर्स का क्या डिसीजन हो सकता है, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ए से एम, द फूल एंड द मजिशियन साथ में आया है। इनकी विश है कि ये न्यू बिगनिंग करें और ये डिसीजन ये लेना चाहते हैं बहुत जल्द। ये टफ साइकिल एंड करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे है पाइसिस, कैंसर, और क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है एक तरीके से मैं सभी साइंस को ले रही हूँ। सो यहाँ पे मेजर अरकाना ये बता रहा है कि ये न्यू बिगनिंग का डिसीजन लेने वाले हैं। एक टफ़ जर्नी, एक टफ़ साइकिल एंड हो सकती है। यहाँ पे मे बी आप दोनों के बीच में सेपरेशन पेरेंट्स की वजह से आया है, या अगर आप मैरिड हैं तो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के वजह से आया है। दूसरी तरफ यहाँ पे इनका हाइडिंग नेचर भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम की वजह है आप दोनों के सेपरेशन में। मे बी ये हाइड करते हों, कोई बातें छुपाते हों, या किसी तरह का सच या झूठ आपने पकड़ लिया है जिसके बाद ये ब्रेकअप सिचुएशन आई है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, लेकिन इनकी विश है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और एक बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं वापस आने का। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में क्विकली। सो ये यहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं करंट एनर्जीज। उसके पहले कुछ गाइडेंस लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मूनोलॉजी से क्या कार्ड्स आते हैं पाइल नंबर वन के लिए। पहला कार्ड आ गया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने लव रिलेशन में एटीट्यूड और ईगो को ना आने दें। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों का रिलेशनशिप ईगो या एटीट्यूड की वजह से ख़राब हुआ हो। सिंह राशि है, राशि मैं इसलिए नहीं बताती कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, राशि जो आती है वो मैं बता देती हूँ। फिर हमारे पास है होल्ड योर विजन। आपका मन बहुत इधर उधर भाग रहा है इस टाइम, कभी पॉजिटिव की तरफ कभी नेगेटिव की तरफ, तो थोड़ा सा अपने विजन को कंट्रोल में रखिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, कोई कुंभ राशि का हो सकता है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। मीन राशि कुछ लोगों की हो सकती है सन साइन या मून साइन में। सोल जर्नी से पहला गाइडेंस है डाउट। अब आप डाउट्स क्रिएट नहीं करती, काफ़ी हद तक आप मैच्योर हो चुके हैं। और दूसरा कार्ड है पर्पस, अपने सोल पर्पस पे, अपने सोल मिशन पे आप में से ज़्यादातर लोग इस समय लगे हुए हैं। हो सकता है कि किसी तरह की चैरिटी, किसी तरह का सोशल वर्क, किसी तरह की दान दक्षिणा या लोगों की मदद करना, हेल्प करना, इस तरह की आप काम कर रहे हों ताकि आपका कुछ कर्मा बैलेंस हो। फिर हमारे पास है अंडरस्टैंड योर बॉडी, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, सैड हो रहे हैं। अपनी सोल को खुश रखिए,
लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स से सीखिए कुछ, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। अब हम बढ़ते हैं करंट एनर्जीज की तरफ, देखते हैं पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या बता रही हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 के लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्पाई कर रहे हैं आपको, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं, नज़र रखते हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। जो कार्ड्स आए हैं उन्हें अरेंज कर लेते हैं। पहला कार्ड है 5 of Cups, द हर्मिट, 4 of Pentacles। सबसे पहले मैं बता दूं कि आइसोलेशन में हैं आपके पार्टनर, 5 of Cups विद द हर्मिट, खुश नहीं है बिल्कुल भी, जिस भी सिचुएशन में हैं, जहां भी हैं, जिसके साथ भी हैं, दे आर नॉट हैप्पी। साथ ही साथ आप में से कई लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, स्टिल होप नहीं हारे हैं, अभी भी इस रिलेशनशिप में होप है। 4 of Pentacles आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस टाइम। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, साथ ही साथ आपको खोना नहीं चाहते। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे, आप में से कई लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ कास्ट अलग है या रिलीजन अलग है या कल्चर अलग है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई मैनिपुलेटिव है आपके पार्टनर के लाइफ में जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ड्रामा क्रिएट हो रहा है। द एम्प्रेस, हो सकता है ये ड्रामा पेरेंट्स की वजह से हो रहा हो या थर्ड पार्टी मैरिड हों, हो सकता है कि आप भी मैरिड हों या वो भी मैरिड हों या आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो, तो इस तरह की सिचुएशंस इनके लाइफ में चल रही है। इस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से भागना चाहते हैं, अपने आप को दूर रखना चाहते हैं इस सिचुएशन से, आपके साथ बैलेंस में आना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन आपके साथ ख़राब हुई है उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। देन हमारे पास है 3 of Cups, आपके साथ कुछ प्लान कर सकते हैं, किसी तरह की पार्टी, किसी तरह का सेलिब्रेशन, या आपसे मिलना चाहते हैं, एटलीस्ट आपसे बात करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, यहाँ पे आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं आपके पार्टनर, आपके साथ ही खुश रहते हैं और आप ही के साथ फैमिली देखते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, शादी करना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। सो ये इनकी करंट एनर्जीज हैं। देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का, प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन ACM, थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ मूव ऑन का कार्ड आया है। देखो अभी मैंने आपको करंट एनर्जी में बताया कि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, और यहाँ पे कार्ड भी आ गया 3 of Swords विद 8 of Cups, मूव ऑन करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है नंबर 5,
फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, थर्ड पार्टी के वजह से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। इनकी विश है कि ये आपके साथ रीयूनियन में आए, थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के बाद इनकी विश है। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। नेक्स्ट एक्शन में फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, नेक्स्ट एक्शन में फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, इन्हें होप है कि आपसे इन्होंने मूव ऑन अगर कर लिया है या आपसे डिस्टेंस बना लिया है तो अभी भी इस रिलेशनशिप में होप है। ये जानते हैं कि आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्यों हर्ट है, सफरिंग इन साइलेंस। अगर आपसे लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, या ब्रेकअप हुआ है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या सेपरेशन है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, खुश हैं। सफरिंग इन साइलेंस, इन्हें पछतावा है, गिल्ट है। अगेन नंबर 9, सॉलिट्यूड, खुद को अकेला करके रखा है इन्होंने, खुश नहीं है बिल्कुल भी। एट ऑफ कप्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, एट ऑफ कप्स क्यों आया है। नंबर 3, थर्ड पार्टी से ये मूव ऑन करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, इस डार्कनेस से लाइट में आना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और इनकी विश है कि ये आपसे शादी करें, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है आज के लिए, जो लकी नंबर है दैट इज़ 5। नेक्स्ट 48 आवर्स आप में से काफ़ी लोगों से रेजोनेट किया, काफ़ी लोगों के कमेंट्स मुझे आए, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। और यही कहूँगी कि जिन्हें नहीं आया है, होप नहीं हारिए, पॉजिटिव रहिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ACM क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव, इन द नियर फ्यूचर द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। कुछ मैसेजेस लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। कहाँ गए मैसेजेस, ये है। You have the cutest smile on earth. सबसे क्यूट स्माइल उन्हें आपकी लगती है, मे बी उन्होंने आपसे बोला भी हो। You are the light in my life. आप उनके लाइफ में रोशनी हैं, exactly. अभी नेक्स्ट एक्शन में भी लाइट का कार्ड आया था हमारे पास, डार्कनेस में है वो आपके बिना। अगर आपसे दूर हैं, आपसे सेपरेटेड हैं, तो वो डार्कनेस में हैं। वी आर अ परफेक्ट मैच, डेफिनेटली मेड फॉर ईच अदर हैं आप दोनों, राइट कपल हैं। वी आर अ परफेक्ट मैच, हो सकता है आपको कार्ड दिख रहा हो, नहीं दिख रहा। यू अंडरस्टैंड मी, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हो, जो कि उन्हें बहुत आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आई फील हैव व्हेन आई एम नॉट विद यू, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं वो। सो ये थी कुछ मैसेजेस पाइल नंबर 1 के लिए। होप आपकी रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो, और आने वाले टाइम में नेक्स्ट एक्शन भी आपसे रेजोनेट हो। पॉजिटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, और नेगेटिव नेगेटिव सारी चीज़ें रेजोनेट ना हो, यही प्रे करके मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, ज़रूर कमेंट करके बताएं, मेरे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, एन से जेड की पायल, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। देखती हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी में क्या कोई चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, फिर
फिर मेजर अरकाना के बाद हम गाइडेंस लेंगे, फिर करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस लेंगे और लव मैसेजेस लेंगे लास्ट में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। द मून पहला कार्ड, दूसरा कार्ड है हमारे पास द फूल, तीसरा कार्ड है हमारे पास द डेविल, चौथा कार्ड है हमारे पास जस्टिस और बॉटम से है द लवर्स। ओके, सो यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है, कैप्रिकॉन है, पाइसिस है, टॉरस है, जेमिनाय है, मेजर अरकाना हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का सन साइन या मून साइन हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में दो लोगों ने तांडव करा हुआ है। तांडव मतलब ड्रामा एक तरीके से, अगर आप ना जानते हो तांडव क्या होता है तो आप ड्रामा से उसको कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बवाल मचाया हुआ है इन दो लोगों ने। पहले हैं कोई फीमेल हैं, या कोई ऐसा पर्सन है, अगर फीमेल या मेल की बात ना करें तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, इमोशनली ब्लैकमेल करना, टॉर्चर करना, लड़ाई भी करना, झगड़ा भी करना, फिर मैनिपुलेट कर लेना। कोई तो इस तरह का पर्सन है, हो सकता है इनकी फैमिली में से कोई हो, हो सकता है कि ये खुद हों या इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। दूसरा है डेविल, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर किसी तरह के एडिक्शन में हो, किसी तरह का नशा करना, गुस्सा करना, या एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, ईगो बहुत ज़्यादा हो, या फिर ये किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन में जूझ रहे हैं। जिनके साथ ये मैरिड हैं या जिनके साथ ये रह रहे हैं या रह रही हैं, वो पर्सन इनके लायक नहीं है, ये लीगली वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर सिंगल हैं आप दोनों तो ये आपकी तरफ लीगली बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं केयर फ्री होके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपसे रीयूनियन चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है मतलब कि म्यूचुअल लव है, डिवाइन जर्नी है, सोल जर्नी है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, मैक्सिमम लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। न्यू बिगनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं, दैट इज़ द मेजर एनर्जी। देखते हैं कुछ गाइडेंस और फिर करंट एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मूनोलॉजी के हिसाब से क्या गाइडेंस है। पहला गाइडेंस आ गया, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। हो सकता है आप या आपके पार्टनर साइन में धनु राशि के हों, सेजिटेरियस सन साइन या मून साइन से। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। जीतने वाले हैं आप लोग, बहुत दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। फाइन, अब हम देखते हैं सोल जर्नी से, आपकी सोल के लिए क्या ज़रूरी है, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। डेथ, हेल्थ का ध्यान रखिए, आप में से काफ़ी लोगों की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। डेथ का कार्ड आया है, डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है। द फूल का कार्ड आया भी मेजर अरकाना में, तो कुछ ख़त्म ज़रूर हुआ है आपके लाइफ में, मे बी आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, लेकिन न्यू बिगनिंग के लिए ही हुआ है और आपके लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत न्यू बिगनिंग आएगी। लेकिन हेल्थ का इस टाइम बहुत ध्यान दीजिए। सरेंडर टू डिवाइन, भगवान पे सरेंडर करिए अपनी सारी दुख तकलीफ़ें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अच्छे से खाएं पिएं, निश्चिंत रहें। जॉय, खुश रहें, जो भी सिचुएशन है दुखी रहने से या टेंशन में रहने से वो हल नहीं हो जाएगी, सो बी पॉजिटिव। लव इज़ योर एनर्जी, हो सकता है आपकी बैटरी लो हो बिकॉज आप सेपरेशन में हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं प्रे करूँगी कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए, एकदम खुश हो जाएं आप।
सो मैं रोज़ ही प्रे करती हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि लव इज़ योर एनर्जी और आपकी एनर्जी इस समय लो है. सो समझती हूँ मैं. बढ़ते हैं करंट सिचुएशन की तरफ, देखते हैं क्या सिचुएशन निकल कर आती है. पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स. पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है. पहला कार्ड है आपके लिए द टावर. आप तो ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, तो अब क्या टावर मोमेंट आएगा. टावर मोमेंट तो चल ही रहा है. ऑब्वियसली ये टावर मोमेंट किसी और के लाइफ में आने वाला है. ऑब्वियसली आपके पार्टनर के लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आने वाला है, और किसी सिचुएशन से ये मूव ऑन करने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं. देखते हैं. सैड हैं बहुत ज़्यादा. अगर आपसे सेपरेशन में हैं, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सैड हैं. मे बी इनके लाइफ में ऑप्शंस हों, चॉइसेस हों इस टाइम. मे बी इनके पेरेंट्स इनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, या इनके ऊपर किसी का दबाव है, किसी का प्रेशर है, जिसकी वजह से आपके साथ ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. टफ जर्नी है, सोल जर्नी ईजी नहीं होती है. हर्ट हैं बहुत ज़्यादा. अगर आपसे ब्रेकअप करा हुआ है, आपसे नो कांटेक्ट में हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो ये टफ जर्नी एंड करने वाले हैं. थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है. क्वीन ऑफ वैंड्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, चाहे आप मेल हो फीमेल हो. क्वीन का मतलब ये नहीं कि आप लड़की हैं, कार्ड्स एनर्जी बताते हैं. तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपके लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, पैशन है आपके लिए और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. अगेन द लवर्स का कार्ड आ गया है. मेजर अरकाना से भी द लवर्स और यहाँ से भी द लवर्स डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं. ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ से मूव ऑन करेंगे, टावर मोमेंट लाएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, रीयूनियन करेंगे. द लवर्स म्यूचुअल लव है, सोल जर्नी है आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में. कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, जैसे कि ये, ये और ये. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स. द टावर का कार्ड क्यों आया है करेंट एनर्जी में, द टावर का कार्ड क्यों आया है. अगर ब्रेकअप हुआ है आपसे तो बात करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं. थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, वहाँ से निकलने वाले हैं, न्यू बिगनिंग करने वाले हैं आपके साथ. सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है. मूव ऑन किया है आपसे, लेकिन अब वापस आएंगे. ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं. लव है आपके लिए. थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है करंट एनर्जी में. सक्सेस चाहते हैं आपके साथ. स्पाई कर रहे हैं आपको. अगर ब्रेकअप किया है तो स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर. मजिशियन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, राइट. तो कुछ कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर दिया है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर्स का क्या निकल कर आता है. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स. नेक्स्ट एक्शन पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है. मेरे व्यूवर्स की तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है.
ओके, कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ पे आया है होप, रखिए, बॉटम की एनर्जी है होप। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, जिस भी वजह से आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा इंतज़ार। ये उस सिचुएशन से ब्रेकअप करने वाले हैं, उस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, फिर आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। लेकिन मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। नेक्स्ट एक्शन में फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स, जो दो रास्ते हैं उनमें से एक के साथ ब्रेकअप होने वाला है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जहाँ भी हैं खुश नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है खुश नहीं है। वेटिंग गेम का कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ का इंतज़ार है इन्हें। थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन का इंतज़ार है। जल्द से जल्द उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। थ्री ऑफ, देखिए बॉटम से भी डेविल आया हुआ है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, क्या चाहते हैं ये लाइफ में। क्या बात है, आप ही के साथ खुशियां हैं इनकी, सेलिब्रेशन आप ही के साथ चाहते हैं। आपसे रीयूनियन होने के बाद ही इन्हें खुशी मिलेगी। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन विद हार्मनी। और वेटिंग गेम का कार्ड क्यों, ये मूव ऑन करना चाहते हैं इस डेविल एनर्जी से, इस थर्ड पार्टी से। आपके लिए लकी नंबर है 4। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए। रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन है वो बहुत जल्द इम्प्रूव होने वाली है। कुछ मैसेजेस लेते हैं और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। यू वुड डू एनी थिंग टू मेक मी हैप्पी, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो जिससे कि उन्हें खुशियाँ मिले। यू आर सिंपली इररेजिस्टेबल, वो आपको, आपकी तरफ बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। यू लव अनकंडीशनली, आपका लव प्योर है, किसी कंडीशंस के बगैर है, एक्सपेक्ट नहीं करते आप उनसे कुछ, चाहे वो कुछ भी करें, डांटें, गुस्सा करें, ब्लॉक कर दें, आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल। फिर हमारे पास है आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम, अगर आप बगल वाले कमरे में भी रहो तो भी वो आपको मिस करते हैं। तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत मिस करते हैं, सिर्फ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से सेपरेशन आया है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल, हो सकता है इनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हों, कुछ ऐसी आदतें हों जो अच्छी ना हो लेकिन आपको वो भी अच्छी लगती हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते टाइम ये सारी चीज़ें उन्हें याद आती हैं। सो ये है पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, अगर आपको गाइडेंस मिली हो, ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।